हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो कुकिंग रिलेटेड है, लेकिन मैं कैसे बनाऊंगी। एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट मैं मास्टर्स के साथ मास्टर शेफ़ की ट्रेनिंग भी ले रही हूँ, वो भी फ्री में। मैं पहले जब इंडिया में थी तब मैं कुछ भी नहीं बनाती थी, कुछ भी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं वो सब बनाऊँगी, बट मैंने बनाया है यहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है ना कि आप अगर टिफ़िन सर्विस लोगे तो वो थोड़ा महंगा होता है, एंड मैं खुद बनाती हूँ, तो मैं एक बार बनाऊंगी तो वो पूरा दिन चलेगा। थोड़े लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पूरे हफ्ते का बना देते हैं, लाइक पूरे हफ्ते का प्रिपेयर करके रख लेते हैं एंड उसी को खाते हैं। बट वैसे बनाने से ना मैंने ट्राई किया था, बट मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लगा। वो रखने से टेस्ट थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है, तो मुझे ऐसा नहीं करना था। तो मैं दिन में एक बार बना लेती हूँ, जो मुझे तीन टाइम मैं आराम से खा सकती हूँ। एंड मैं ग्रॉसरी दो हफ्ते में एक बार लेके आती हूँ, तो वो आराम से चल जाता है मुझे। तो अभी मैंने बहुत दिन से कुछ शूट भी नहीं किया, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ मैं वीडियो भी शूट कर लूँगी एंड मैं कुकिंग भी कर लूँगी इतनी देर से बैठ के। मतलब मुझे कुछ अच्छा खाना है, क्या खाना है मेरे को नहीं पता, क्या खाना है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊँ। जब भी मैं कुछ बनाती हूँ ना, तो मुझे 10 से 15 मिनट तो इसी में लग जाते हैं। जब मैं काम से वापस आते रहती हूँ, तो मैं वही सोचती रहती हूँ कि क्या बनाऊँ, आज जाके क्या बनाऊँ, क्या खाऊँ, क्योंकि इतना पूरा दिन आप काम करते हो एंड एंड में आने के बाद कुछ अच्छा अगर आप खा लोगे ना, तो अच्छा लगता है। तो मैं अभी वहाँ पे स्टक हो जाती हूँ कि क्या बनाऊँ। एंड अभी समझ में आ रहा है कि जब मम्मी पूछती थी ना कि क्या बनाना है, बोले कुछ भी बना दो ऐसे। अभी यहाँ पे आने के बाद समझ में आ रहा है कि खाना बनाने के लिए भी सोचना पड़ता है कि क्या बनाना है, एंड फिर वो सब घर पे होना भी चाहिए। तो अभी मैं यूट्यूब पर मैंने देखा है कि दम आलू, तो वही बनाते हैं। जो भी मुझे चाहिए वो सब कुछ है, तो पहले इनको वॉश कर लेते हैं एंड अच्छे से चॉप कर लूँगी। आलू को मैं ऐसे पहले पील कर लूँगी, सो दैट ईजी रहेगा। वीडियो में तो बहुत छोटे छोटे आलू बता रहे थे, बट वो मेरे पास नहीं है, तो हम इसी से काम चलाएंगे। छोटे छोटे से कट किए क्योंकि छोटे आलू नहीं थे, तो इससे काम चल जाएगा। एंड अभी इसको मैं शैलो फ्राई करूँगी, मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, तो इसको शैलो फ्राई करते हैं। आलू फ्राई होने के लिए 5 मिनट तो लगेगा, तब तक हम प्याज और टमाटर कट कर लेते हैं, तो इसका भी हम पेस्ट बना सकते हैं। चॉप हो गया है, अभी टमाटर को भी काट लेते हैं। क्या बोलते हैं, थोड़ा फ्राई कर लूँगी ऑयल में, टमाटर और प्याज को थोड़ा सा भून लूँगी एंड उसके बाद मैं इसका एक पेस्ट बना लूँगी। तो मैं इसको रफली चॉप कर लेती हूँ, ज़्यादा छोटे छोटे नहीं, बस रफली, क्योंकि इसको वापस पीसना ही है, तो उसको नॉर्मली चॉप कर लूँगी। अच्छे से भुना है मैंने इसको, तो अभी हम इसका पेस्ट कर लेंगे। अभी इसमें मैं थोड़े से मसाले ऐड करूंगी एंड देन इसको थोड़ी देर अच्छे से भूनने दूंगी। सबसे पहले इसमें मैं नमक डाल देती हूँ, जितना आपको लगेगा उतना आप नमक डाल सकते हैं। मिक्स कर लेती हूँ एंड देन थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला क्योंकि मुझे पसंद है, मैं ऑलमोस्ट सब में डाल देती हूँ। एंड देन कोरिएंडर पाउडर, इसके बाद थोड़ा सा जीरा पाउडर, ये मैं वॉलमार्ट से लेके आई थी लेमन पेपर सीजनिंग, ये थोड़ा अच्छा है, मतलब थोड़ा सा खट्टा खट्टा, मेरे पास लेमन नहीं है तो मैं उसमें ये डाल दूंगी एंड देन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छे से अभी भून गया है, अभी इसमें मैं आलू ऐड कर दूंगी, ये कुछ ऐसे दिख रहा है, तो अभी इसमें हम आलू ऐड करेंगे। इसको भी अच्छे से अभी मैं मिक्स कर लूंगी अच्छे से पूरा मसाले में। दम आलू रेडी हो गया है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे धनिया से गार्निश कर दूंगी। गया है, दिखने में तो अच्छा लग रहा है, टेस्ट का पता नहीं, खा के देखती हूँ कैसा है।
बस यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।